हेलो जान जी, क्या हाल चाल आप सबके। तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले जय श्री राम, और कमेंट में ना सबसे पहले जय श्री राम लिखना। अभी ना मैं बात करने वाला हूँ सनी देओल सर के बारे में, और बॉर्डर टू के बारे में ना कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और कमेंट में ना सबसे पहले टाइप करना जय श्री राम। आप सबको पता है बॉर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी थी। उसके बाद में कई सारी मूवियाँ सनी देओल सर की उस टाइम पर आई थी जो कि सुपर डुपर हिट रही, ब्लॉकबस्टर मूवी रही उस टाइम पर। उसके बाद में एक होता है कि हर किसी का अगर करियर अच्छे से चलता है तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल जो होता है वो हर किसी के करियर में कहीं ना कहीं आता ही है। उसके बाद में अगर बात करें तो 2015 के आसपास जेपी दत्ता सर जो था, मतलब जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक आइडिया लिया कि हाँ भाई ठीक है, बॉर्डर टू पे ना काम कर लेते हैं। बॉर्डर टू का जो सिक्वल है, मतलब बॉर्डर का जो सिक्वल है उसके ऊपर काम करते हैं और इसको मूवी को ना बना के ख़त्म कर डालते हैं। उस टाइम पर उन्होंने बात करी। उसके बाद में 2015 के आसपास उनका प्लान था मूवी को जो शूट वगैरह स्टार्ट करने का, लेकिन उस टाइम पर सनी देओल सर की एक दो मूवी आई जो कि मतलब ज़्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाई और मूवी ना पिट गई। अब जितने भी मेकर्स थे सबने अपने अपने हाथ ना सारे पीछे खींच लिए। उसके बाद में जेपी दत्ता सर ने भी उस टाइम पर बता तो ये रहे कि उन्होंने भी कुछ खास कॉल नहीं ली सनी देओल सर की, और मतलब एक तरह से इग्नोर कर दिया था उस टाइम पर। काफ़ी टाइम बाद गदर जो टू है वो आई मूवी, और झंडे गाड़ दिए। ऑडियंस ने इतना ज़्यादा पसंद किया उस मूवी को कि मूवी ने लगभग 560 करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन है वो कर लिया। अब बॉर्डर टू का बनना तो बनता है गदर टू की भारी सक्सेस के बाद। एक जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें सनी पाजी ने बोला कि जो अपनी बॉर्डर टू है उसके ऊपर अपन लोग काम करना चाहते हैं, और अपन लोग उसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि उस टाइम जब मेरा डाउनफॉल था, फिर जो मूवियाँ वगैरह चल नहीं रही थी उस टाइम, सारे जो भी थे मूवी मेकर्स उन्होंने अपना जो हाथ है वो की मतलब पीछे खींच लिया था। अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स आने हैं, बहुत सारी मूवियों के सिक्वल्स आने हैं, कई सारे पार्ट टू बनेंगे, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा काम है। हालांकि उन्होंने बोला कि भाई अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा साइन वाइन किया नहीं है, लेकिन फिर एक न्यूज ना ये निकली कि ठीक है भाई, उन्होंने बोला कि बॉर्डर टू में अपन लोग काम करने वाले हैं, और कई सारे ना नए ऐसे कलाकार होंगे जिनकी बॉर्डर टू के अंदर ना एंट्री होने वाली है। नए कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, नए करेक्टर होंगे। अब क्या होगा, क्या स्टोरी होगी, वो तो थोड़ा उन्होंने खुल के बताया नहीं। मूवी कब आएगी ये भी उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हाँ ये कि जो इसकी जो मूवी के अनाउंसमेंट है, जो शूट स्टार्ट वाला जो फंड है वो बहुत जल्द हमको सुनने को मिलेगा, ये उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ना सीधा सीधा बोला था। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में, या फिर आपको क्या लगता है कि बॉर्डर टू बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, या फिर आपका भी कुछ पर्सनल थॉट हो, जैसे इंडियन टू थी या फिर अपनी घातक है उसका भी कुछ बनना चाहिए। मतलब कई सारी मूवियाँ हैं अच्छी अच्छी दामनी है, तो कई सारी मूवियाँ ऐसी हैं जिनका सिक्वल अगर बनाए तो आज के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा छाप सकते हैं मूवी मेकर, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर बनाना नहीं चाहते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। हालांकि जो गदर टू है वो नॉस्टैल्जिया पे काम करके गई है पूरा का पूरा, और नॉस्टैल्जिया पे ही ना सारी मूवियाँ खेलती हैं मोस्टली। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं किसी भी मूवी के बारे में, आप अपने हिसाब से खुद ही आइडिया लगा लो, लेकिन मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अभी तक आपने कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा है तो यार एक बार लिख दो, और वीडियो को ना लाइक कर देना। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।